सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं तीन लाइन जरूर बोलना चाहूँगी। मुंबई दिल्ली जब प्राइवेट हुआ था तब और आज 10 साल हो गए, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि हम लोग प्राइवेट नहीं हुए और 60% डायरेक्ट मर्जिंग था जो उन्होंने हमें धोखा दिया। तब दूसरी सरकार थी और अब दूसरी सरकार है, तो मोदी जी से हमारी यही अपील है कि आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो या जनता के लिए लड़ रहे हो, अगर जनता के लिए आपकी सच्ची लड़ाई है तो आप हमारी पुकार ज़रूर सुनेंगे। और इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ यही कहेंगे कि हमें हिंदुस्तान को प्राइवेट नहीं होने देना है। आप कश्मीर को अंदर ला रहे हो और भारत को बाहर भगा रहे हो, ऐसा आपका विश्वास गलत है। हम आपके साथ तभी चलेंगे जब आप हम पर विश्वास करके प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन करने से पहले गवर्नमेंट कोई भी हो, सब पब्लिक के लिए लड़ रही है और हमारा सबका हक बनता है क्योंकि हम सभी वोटर हैं पूरे हिंदुस्तान में, कोई किसी भी स्टेट का रहो। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऐसी चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान में 126 एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद हमारी है, तो जो वापस आया हुआ कश्मीर आपने दिया तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को कैसे बेच सकते हो? ये तो ऐसा हो जाएगा कि अंग्रेज़ों का राज हो जाएगा। अंग्रेज़ों का राज नहीं करना देना है हमें, पैसे वालों को अंदर नहीं घुसने देना है। और पहले इन्होंने सबसे पहले एक मुद्दा छेड़ा जिसमें इन्होंने हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन के नाम के नीचे झुलाकर और हमारी कंपेंशनल जॉब की नौकरियां खा गई, जिन्होंने 30-30 साल की नौकरी करके जिनके साथ अनहोनी हुई है उनके बच्चों को, सभी लोगों के 100% जो होता है, हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ ग्रुप डी की जॉब देते थे, SC ST तो वैसे ही मारे गए, SC ST के लाशों पर ही मोदी जी को गवर्नमेंट चलानी है क्या? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का सच्चा हिसाब किताब जानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने सभी के लिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि SC ST के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि SC ST को भगाओ, बड़े बड़े माफिया को लेकर आओ, माफिया ही है ये लोग, जब जो है GMR है अभी, अडानी फडानी अंबानी पंबानी पता नहीं क्या क्या नाम है, ये हमारे ही लाशों पर खेलेंगे क्या? आप लोगों को दिल से सोचना है हमारे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन से बचाने के लिए। एक उनका है लेडीज बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, उसके बाद क्या बेटी को मार डालो? नहीं, हम बेटियों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मोदी जी आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये कहावत बंद करो, बिल्कुल बंद करो। बेटी के नाम से आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप पूरे वर्ल्ड में घूम के आ रहे हो, चाइना को कभी बंद करते हो, उनकी लाइटें मत खरीदो, फिर से चाइना वालों के साथ आप घूम रहे हो, उनको यहाँ ला के क्या आप कर रहे हो? चाय तो नहीं पिला रहे, हमने देखा ही नहीं चाय पिलाते हुए आपको। हम चाय में समझदारी कर रहे हैं, मगर मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट के IP CBI जो भी सुन रहे होंगे, कोई डर नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को बचा के रखेंगे। एम्प्लॉयज के नौकरी से हम आपको खेलने नहीं देंगे। जो आपने दिल्ली बॉम्बे में हमारा अत्याचार किया है, अगर वो भी हमें आप वापस दिला दो तो आपकी वाहवाही करेंगे, नहीं तो इसके बाद आप कभी नहीं आएंगे इस सीट पर। बस यही कहना है मेरा, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।